हाय व्यूअर्स, आज हर न्यूज़ चैनल और हर अखबार में एक ही हेडलाइन चल रही है। हमीद और उसके साथियों ने एतराफ कर लिया है कि वो कुछ पैसों के लिए दानियाल मुजीब को अगवा करना चाहते थे, लेकिन ऐन वक्त पर मामला बिगड़ गया और एक बेकसूर लड़की आयला नदीम अपनी जान खो बैठी। हमीद का कहना यह था कि वो रकम हासिल कर फरार हो जाना चाहता था। वो समझ रहा था कि सबको ये लगेगा कि वो हलाक हो चुका है और इस तरह उस पर शक आएगा ही नहीं, मगर इस तरह शनाख्त बदल कर भाग जाना इतना भी आसान नहीं, और इससे ये मालूम होता है कि वो एक तजुर्बकार मुजरिम नहीं था। दानियाल मुजीब बेकसूर है। पकड़े जाने पे हमीद ने उन पर झूठा इल्जाम लगाया, क्योंकि उसे लगा था कि इससे उसकी सजा कम हो जाएगी। जहां तबकाती फर्क इतना ज्यादा हो, वहां इस किस्म के जराइम तो पैदा होते ही हैं। इस फर्क को कैसे कम किया जा सकता है और इन जराइम को कैसे खत्म किया जा सकता है, ये सोचना पॉलिसी मेकर्स का काम है। मगर अफसोस मुझे इस बात का है कि जल्दबाजी में बनाई हुई मेरी चंद वीडियोस की वजह से बेकसूर लोगों के ऊपर शक किया गया और उनके ऊपर कीचड़ भी उछा ली गई। बेटा, आई लव यू बेटा। मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत। मैं इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ और अपोलोजाइज भी करती हूँ। मेरी इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से बहुत सारे लोगों को दुख पहुंचा है और उन पर गलत इल्जाम भी लगे। आज एहसास हो रहा है कि सोशल मीडिया के दौर में मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज कितना खतरनाक हो सकता है। आई गेस मुझे और एहतियात करनी चाहिए थी।